से आए हुए 5500 किलोमीटर साइकिल चलाकर। कितने दिन हो चुके आपको सफर करते? 36 दिन हो गया। आपका एक पैर बड़ा है, एक छोटा है ना? दोस्तों नमस्कार, एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने फिर से आया। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम बंबई गए थे किसी काम से, वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग शूट कर आप लोगों को दिखाया। दोस्तों मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब हम सोनू सूद जी का घर का ब्लॉग बनाने गए थे, वहाँ पर एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है संतोष कुमार यादव, वो बिहार से बंबई आया था दोस्तों 5500 किलोमीटर साइकिल चलाकर। दोस्तों साइकिल तो हर कोई चला सकता है, लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति एक पैरों से विकलंग है और उसको पोलियो लग चुका था। और उस व्यक्ति का कहना था कि साहब आप हमारा एक वीडियो अगर वायरल हो जाए, एक वीडियो अगर लोगों तक पहुंच जाए तो हमें कुछ मदद मिल सकता है। तो दोस्तों जब मैंने उस व्यक्ति से बात करा दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ज़िंदगी में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी का मदद नहीं करना चाहते, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम आगे उतना बड़ा काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज इस वीडियो में उस व्यक्ति के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, एक बार उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि उस व्यक्ति तक मदद पहुंच सके। दोस्तों यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक भाई बिहार से आए हुए 5500 किलोमीटर साइकिल चलाकर, और इनका कुछ वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और भाई इसे कुछ पूछना चाहूँगा, भाई कहाँ से? मैं बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, वहाँ से आप कितने राज्य होकर आए? 8 राज्य स्टेट, यानी 8 स्टेट हो चुके आपको सफ़र करते? 36 दिन हो गया 5500 किलो का सफ़र पूरा किया। 36 दिन से 5500 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया है। अच्छा, इसी साइकिल से किया? हाँ, इसी साइकिल से। मेरे पास सारा लोकेशन वीडियो वो मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। हाँ, तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हो? मैं लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, तो मैं तो इनके पास आने का मेरा यही मकसद था कि अगर मुझे तो और दूर जाना है, कम से कम 15 स्टेट घूमना था मेरे को। अच्छा, तो कुछ मदद के लिए आप आए? मदद के लिए मिलेगा तो मिलेगा, ना तो फिर भी हमको जाना है। लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत इनसे भेंट हो जाए, सोनू सूद से। मैंने वीडियो देखा था इनका कि हेल्प करते हैं लोगों को। अच्छा, आपने वीडियो देखा था कि हेल्प करते हैं और आप यहाँ पर आए 5500 किलोमीटर साइकिल चला कर आए? हम हकीकत में इनसे जानना चाह रहे थे कि सही में करते हैं कि ऐसे लोग वीडियो फैलाते हैं, तब हमको हो जाता ना, लोग कहेंगे कि हकीकत में हो रहा। तो भाई हकीकत में यार इस बंदे के लिए कुछ करना, मैं यही कहना चाहता हूँ। साइकिल चलाकर आए 5500 किलोमीटर। मैं लोगों को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि लोग प्रतिदिन 10 किलोमीटर साइकिल चलाएं। 10 किलोमीटर साइकिल चलाए भाई, डेफिनेटली पॉइंट को नोट करना। और देश को मैंने संदेश दिया हूँ, पूरे देश को संदेश दिया आपने कि मैं विकलांग होकर 5500 किलोमीटर साइकिल 36 दिन में चलाया, तो आप लोग प्रतिदिन 10 किलोमीटर साइकिल चलाएं। अच्छा, यही देश के लिए मेरा संदेश था। अभी अगर कहीं से भी सरकार की तरफ से मेरे हमको सपोर्ट मिला तो मैं और स्टेट घूमना चाह रहा हूँ। आपका एक पैर बड़ा है, एक छोटा है ना? इसी पैर में पोलिया मारा हुआ मैं। थोड़ा चल के दिखा सकते हो आप? थोड़ा साइकिल हम पकड़ते। अच्छा, ऐसे चलते हो आप? अच्छा, देखिए ये विकलांग है भाई, और 5500 किलोमीटर साइकिल चला कर आए। डेफिनेटली भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए, यार कुछ तो बनता है। और सोनू सूद जी से मिलने आए, हम सोनू सूद जी का घर का ब्लॉग बनाने आए थे बम्बई में, तो वो तो मैंने पूरा कर लिया, अभी मिल नहीं पाया। अभी बज रहा है 11 और उनको मिलने का टाइम है 4:30 बजे। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर 4:30 बजे टाइम मिलेगा तो आएंगे, दोबारा उनसे मिलेंगे, भेंट करेंगे। मुझे कम से कम पब्लिक से यही सपोर्ट चाहिए कि मेरे को सरकार के अंदर में करे, मैं देश को बहुत कुछ देना चाह रहा हूँ विकलांग होकर। अच्छा, लोगों को बहुत सीख दूंगा मैं भाई। मैं तुमको ये 200 रुपया का खाने के लिए देता हूँ, ये खा लेना, ठीक है ना? इसी तरह बहुत लोग रास्ता में गए। अच्छा, किए हैं, खाना भी खिलाए हैं, कहीं कहीं पैसा भी मिला, 1000-2000 ये सब मिलते आया है। अच्छा अच्छा, और एक बात ये है कि मैं 8 स्टेट मैंने घुमा हूँ। अच्छा, जब सोनू सर के जब शहर में आए तो मैं हमको एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा, अभी तक छाती में दर्द है कि वहाँ पुल पर कोई गाड़ी दो चक्का वाला मार के भाग गया। चलो इस वीडियो के अंदर भाई का वीडियो हम देंगे जो बिहार से वो आया है, वीडियो बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ज़रूर अगर बने तो कुछ हेल्प ज़रूर करना। और मैं तो हमको कम से कम सरकार के अंडर में कर दे भाई लोग, क्या कि आप लोग खुद जान रहे हैं कि 5500 किलोमीटर साइकिल चलाना कोई आम आदमी का खेल नहीं है, वो भी मेरा एक पैर विकलांग है। सोच सकते हैं कि मेरा 5500 किलोमीटर साइकिल का सफ़र कैसा होगा। मेरे पास सारा लोकेशन है, वीडियो है, जॉन डिस भाई को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर आकर मैं अपना नंबर भी दे सकता हूँ।
88 25 12 26 99 ये पर आए अपना, हम हमसे लोकेशन मांगे तो हम लोकेशन तुरंत दूंगा, कॉल मत करे भाई साहब। आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डाल दीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाना, पूरी दुनिया में देश में फैलाना, भाई का हेल्प होना चाहिए। यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, भाई से मुलाकात हो गई, 5500 किलोमीटर साइकिल चला कर आए। और दोस्तों हम तो यहाँ आने के बाद जो आप लोगों से कहा था सोनू सूद जी का घर का जो ब्लॉग दूंगा वो मैंने आपको बना के दिखा। ठीक है सर, कह सकता हूँ हिंदुस्तान के हर एक लोग मेरे, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चले 5500 किलोमीटर साइकिल चला। अगर भाई किसी को, मैं तो देखो पैरों से ठीक हो तो भी नहीं चल। किसी को लोकेशन पर भी, अभी हम आए थे सोनू सर के पास, थे उनका जो मैनेजर कर रहा है, क्या मैं कैसे मानूं कि आप 5500 किलोमीटर, आप तो लोकेशन कहीं कहीं से भी तो दे सकते हैं, इनका मैनेजर बोल रहा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, साथ लड़ गया था लेकिन आपके साथ अच्छा होगा, मैं दुआ करता हूँ। ये है हमारे संतोष भाई जो कई स्टेट के सफर करते हुए आए हैं, आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये संतोष कुमार जो नौजवान पीढ़ी के लिए है, एक उत्साहजनक बात कहना चाह रहे हैं और उत्साह देना चाह रहे हैं तमाम नौजवान पीढ़ी के लिए, और पक्ष जो है वो हैंडीकैम है। लेकिन मेरे लिए ये बाई दे शर्म और बाई दे फख्र की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में एक से एक हस्ती, एक से एक शख्सियत रह रही है जो नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारे संतोष भाई। अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 8 पर है, ये बॉम्बे वाला रोड है, सूरत बॉम्बे, और यहाँ पे एक मुसाफिर हमें मिले हैं, हम इनसे कुछ रब्ता करना चाहेंगे। ये साइकिल के ऊपर सफर तय कर रहे हैं, पग से विकलांग है, उनका नाम है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। क्या नाम है? संतोष कुमार, पिताजी का नाम लाल बाबू राय हुआ। मैं बिहार स्टेट। ओके, कहाँ से चले हो आप? मैं बिहार स्टेट पटना डिस्ट्रिक्ट से चला हूँ जी, और वहाँ बिहार के 20 जिला मैंने टपा था, यूपी आया, यूपी के लगभग 55 जिले टप के, मैंने हरियाणा में प्रवेश किया, हरियाणा से लगभग 10 जिले दिल्ली में प्रवेश किया, दिल्ली में लगभग मैंने 4-5 दिन यानी 4-500 करीब मैंने सफ़र किया। तो उसके बाद मैंने 5 दिन दिल्ली में रहा, उसके बाद फिर मैंने हरियाणा टपा, हरियाणा टप के राजस्थान आया हूँ, राजस्थान से मैं गुजरात अभी हूँ जो नेशनल हाईवे पर जा रहा है, अभी मैं यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हुआ। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं लेस्ट लोकेशन, यहाँ से हम लोग फिर दूसरे काम के लिए निकलना है, मेट्रो पकड़ना है। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्कार।